कल हमने जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी की जो एंटी टेस्ट प्रिपरेशन है इसके लिए जो है वो सेंटेंस कम्प्लीशन पर जो है एक लेक्चर लिया था। तो सेंटेंस कम्प्लीशन पर अच्छा वो लेक्चर दो लेक्चर मैंने कल आपको एक साथ दिया था दो अलग अलग स्लाइड से, ठीक है। तो वो लेकिन अपलोड जो है वो यूट्यूब पर आपको जो है वो अलग अलग लेक्चर्स में मिलेगा वो, क्योंकि एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था और एक लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था। तो वो लेक्चर वन लेक्चर टू था राउंड टू के लिए। तो फिर कुछ अब ये एक लेक्चर और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, दिस इज लेक्चर नंबर 3। ये भी सेंटेंस कम्प्लीशन ही है, स्पोर्टिंग एरर पर अभी कलेक्शन हो रही है एमसीक्यूज़ की। जब इतना लेक्चर आ जाए मेरे पास कि दो घंटे की क्लास के हिसाब से मटेरियल होगा तो मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। अब इतने ज़्यादा नहीं है मेरे पास, कम है अभी स्पॉटिंग एरर्स। तो सेंटेंस कम्प्लीशन देखे बहुत सारे तो वो हम कर सकते हैं। तो आज हम लेक्चर 3 डिस्कस कर रहे हैं, चूँकि अब हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री की टेंशन तो है नहीं, तो सारी टेंशन पड़ी वो इंग्लिश की ही है और सारे बच्चे इसी पर परेशान हो रहे हैं कि सर सेंटेंस कम्प्लीशन और स्पॉटिंग एरर में क्या होगा हमारा, इसमें तुम्हारे नंबर कट जाने बिला वजह में हमें समझ में नहीं आ रहा। इस हवाले से ये मैंने बताया कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, बजाय इसके कि आप बाद में परेशान हो कि बड़ा मुश्किल टेस्ट आया। मुश्किल और आसान कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। कुछ बच्चा वही मुश्किल जो है वो एमसीक्यू उसको सॉल्व करके आपकी सीट आपसे छीन लेगा। तो मुश्किल और आसान कुछ नहीं होता, यही मुश्किल किसी के लिए आसान होता है और नंबर आपसे उठा लेता है वो, ठीक है। तो बेहतर है कि हमें हर तरह के क्वेश्चन के आंसर देने आने चाहिए, भले वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हम उस पर मैक्सिमम नंबर गेट करने की सलाहियत हमारे अंदर होनी चाहिए। और एक तरीका होता है प्रैक्टिस, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते, ग्रामर नहीं बना सकते इतनी जल्दी और ये मुश्किल लगता है आपको, तो प्रैक्टिस करके कर लो। तो प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको चीज़ें आ जाएंगी, और हम यही कर रहे हैं फिलहाल, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा कोई मूड तो है भी नहीं ग्रामर पढ़ाने का आपको, तो और ना ही आप उसको पढ़ना चाहेंगे मुझे पता है, इसलिए मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और इससे हमारे पास पेपर के सवाल भी निकल जा रहे हैं और जो आपके क्वेश्चंस आए थे वो भी निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रामर बेस्ड सेंटेंस कम्प्लीशन है आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो आसान होती है। वोकैबुलरी बेस्ड जो किया था वो मुश्किल होती है, तो ये तो बहुत ईजी है। तो क्योंकि 50 स्लाइड्स हैं आज, जो हमारा टारगेट है 50 स्लाइड मैंने बनाए हैं इस पर, तो 50 प्लस क्वेश्चंस होंगे इसमें से, अक्सर पास पेपर के हैं और अक्सर वो भी हैं जो कि शायद पास पेपर से ना हो लेकिन लिंक करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के साथ, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन तो और बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं फ़िल्टर करके स्लाइड्स में डालता हूँ जो मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एनईडी एंट्री टेस्ट के लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज बोर्ड पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, सेंटेंस कम्प्लीशन का कि प्रेस्पायरेशन मीन्स पसीना आना। तो प्रेस्पायरेशन इंक्रीजेस डैश विगोरस एक्सरसाइज और हॉट वेदर, तो क्या होना चाहिए इसमें? ड्यूरिंग ए ऑप्शन, ठीक है। तो यस यू हैव सेड इट राइट, ड्यूरिंग होना चाहिए। तो प्रेस्पिरेशन इंक्रीजेस पसीना, इंसान का पसीने में इजाफा होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा सख्त वर्जिश करता है या जब गर्म मौसम होता है, तो ड्यूरिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आसान है, इसको आप सब आंसर दे सकते हैं और कल हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस की भी है, तो आज आप मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आप खुद ब खुद दे दोगे, भले आपको इंग्लिश नहीं आती हो तो भी आप दे दोगे क्योंकि प्रैक्टिस कर ली हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टोल्ड अस डैश वन मैन एंड 6 वुमेन अप्लाइंग फॉर द जॉब। ही टोल्ड के बाद क्या आएगा 4 ऑप्शंस में से? सी आएगा, देयर वर 1 मैन एंड 6 वुमेन अप्लाइंग फॉर द जॉब, ठीक है। तो सही है, तो देयर वर किस लिए होगा? चूंकि एक मर्द और 6 औरतें, लाइक एक प्लूरल है यहाँ पर, दैट्स व्हाई देयर वर, देयर वॉज नहीं होगा, सही है। सबने सही बताया, उसको क्लियर है। तो अभी आप देखिए मैक्सिमम का खुद ब खुद आंसर आप सही दे रहे होंगे। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयर्स ऑफन रिक्वायर दैट कैंडिडेट्स हैव नॉट ओनली अ डिग्री इन इंजीनियरिंग डैश। अब देखो नॉट ओनली आ गया तो ऐसे बट आल्सो वाला ढूंढ लो, का है कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, बट आल्सो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, क्योंकि नॉट ओनली जब भी आता है तो उसके साथ पेयरिंग होती है बट आल्सो की, ये एक बेसिक रूल है, ठीक है, ग्रामर का, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें सारी ट्रिक्स पता है सॉल्व करने के, हम कर पाएंगे।
प्राइजेस फॉर बाइक्स कैन रन डैश $250 क्या हो जाएगा? ये तो पास पेपर का एलईडी में आता है ये सवाल. एज हाई एज प्राइजेस फॉर बाइक्स कैन रन एज हाई एज $250 मतलब $250 जितने बढ़ सकते हैं बाइक्स के प्राइसेस. डैश 100 स्पीशीज ऑफ फिंच हैव बीन आइडेंटिफाइड ये भी पास पेपर का देखा होगा आपने. यस बोलें. डैश में क्या आएगा? एज मैनी एज मच एज मच एज ए सी. कुछ बच्चे ए कह रहे हैं कुछ बच्चे सी कह रहे हैं ऐसे ही ना. देखो मैनी जब हम यूज करते हैं मैनी हम लोग यूज करते हैं उस वक्त जब होता है हमारे पास है नाउन काउंटेबल और मच हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास कैसा नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है. अब देखो 1000 स्पीशीज बोल रहा है ना तो ये तो वैसे ही काउंटेबल है तभी तो काउंट हो गया तो इसका आंसर होना चाहिए ए एज मैनी एज 1000 स्पीशीज क्योंकि काउंटेबल है ना भाई. अनकाउंटेबल में एज मच एज लगाते हैं ठीक है. सिंपल रूल है सिंपल लॉजिक है ये भी एनईडी में आता है सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इट कैन समटाइम्स डैश अ होम. अब ये डैश में देखें क्या लगेगा. क्या बी इट कैन समटाइम्स टेक सेवरल मंथ्स टू सेल अ होम. ये सही कह रहे हैं मुबशिर भी राइट. तो कैन के बाद देखो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. कैन तो मॉडल आ गया ना हमारा कैन ये हमारा मॉडल वर्ब आ गया. अब जो मॉडल वर्ब्स हमारे पास होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है तो टू कभी भी नहीं आता तो इसलिए ए नहीं होगा. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ये हो जाएगा. ये वर्ब की एनजी फॉर्म है इसलिए ये नहीं होगा फोर्थ फॉर्म है. ये टू आ गया इन्फिनेटिव कभी भी नहीं आता मॉडल के साथ इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये भी एक सिंपल लॉजिक है जब हम करते हैं सेंटेंस कंप्लीशन तो ठीक है. कैन कुड मे माइट मस्ट वुड शुड आउट टू इन सब के साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 डैश टू एंड हाफ टू आवर्स टू क्लाइंब द टॉप ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. ढाई घंटे लगते हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप तक चढ़ने में. सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग. इट टिपिकली टेक्स टू एंड हाफ आवर्स टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. बाकी सारे नहीं लगेंगे इसमें फिक्स ठीक है. ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है. ऑल्दो एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स वेरी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस डैश सेपरेट नेशन स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल लिस्ट एट एनी वन टाइम. ऑल्दो एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स वेरी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस जो एग्जैक्ट जो डेटा है वो तब्दील हो सकता है पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से. उसके बाद डैश लगा हुआ है सेपरेट नेशंस. यस बिल्कुल सही है ए ऑप्शन है. मोर देन 200 सेपरेट नेशंस आर इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल लिस्ट एट एनी वन टाइम. ठीक है क्लियर है. तो ये देखो ये जो मैं एमसीक्यूज निकालता हूँ जो वेबसाइट का कल मैंने आपको बताया था तो वो उन्हीं में से ये सारी की सारी निकलती हैं. अगर इन केस एनईडी में अगर राउंड टू में एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी डालते हैं ना तो इन्हीं में से कुछ डाल देंगे उठा के चूँकि उसी वेबसाइट से डाल रहे हैं उठा के उसको चेंज नहीं कर रहे वो. अब उसमें सवाल तो बहुत सारे मतलब 800 हज़ार सवाल है. अब 800 हज़ार में से सारे तो नहीं डालते हैं उसमें उन्होंने 200-250 डाले हुए. अब बाकी जो बच गए तो वो सारे भी हम कर लेंगे तो अगर एमसीक्यू चेंज भी होता है तो उन्हीं में से घूमेगा इसके अलावा कहीं और से नहीं घूमेगा ये. मतलब ऐसे तो चांसेस है कि चेंज ना हो सारा का सारा पास पेपर वाले ही आ जाए लेकिन अगर चेंज हो जाए तो भी हम कर लेंगे क्योंकि हम सारे एमसीक्यू में करा दे रहा हूँ. टाइम लगेगा घंटों के लेक्चर लगेंगे मेरी मेहनत आपकी मेहनत हम सबकी मेहनत लेकिन हम सॉलिड नंबर लेकर आएंगे इंग्लिश में 25 में से 25 तो मज़ा आएगा. अगर 22, 21, 20 तो आ ही जाएंगे उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता. ओके 13 द अर्ली पाथ ऑफ द सन अराउंड द हीवेंस डैश. मतलब सूरज का जो पाथ होता है अराउंड द हीवेंस इसको क्या कहा जाता है मतलब हीवेंस के आगे क्या आएगा. ए ऑप्शन सही कह रहे हो भाई. इज नोन एज द एक्लिप्टिक मतलब वो जाना जाता है एक्लिप्टिक के नाम से. बाकी नीचे अगर आप देखोगे नोन एज द एक्लिप्टिक इट इज़ नोन टू बी एक्लिप्टिक नोइंग एज द एक्लिप्टिक ये सही नहीं है. नॉर्मली जब हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 14, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे डैश डॉक्टर्स डू नॉट हैव अ पर्सनल फिजिशियन, ये भी पास पेपर का है, बोलो सी। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स डू नॉट हैव अ पर्सनल फिजिशियन, मैंने आपको कराया था बट उसमें सिर्फ डैश डॉक्टर्स लिखा हुआ था, तो ये पूरा एमसीक्यू जिस तरह से आता है एनईडी में, तो मैंने आपको शॉर्ट एमसीक्यू कराया था इससे पहले भी राउंड वन से पहले, लेकिन पूरा ये इस तरह से आता है। जब मैंने वेबसाइट में देखा तो पूरा एमसीक्यू मुझे मिल गया कि इस तरह से आता है, तो अक्सर बच्चे से एक एक वर्ड बताते हैं, पूरा एमसीक्यू हमें ढूंढना पड़ता है इस तरह से, एग्जैक्ट इस तरह से आता है। नेक्स्ट है, द टाइनी पिक्चर्स ऑन माइक्रोफिल्म आर डैश स्मॉल टू बी रेड विद द नेकेड आई, क्या होगा? हाँ देखो देखो, टी डबल ओ टू होगा ना, टू स्मॉल, क्योंकि टू के बाद अगला एक और टू आता है हमेशा, जैसे द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, यू आर टू स्टूपिड टू लर्न एनीथिंग, ठीक है, तो टी डबल ओ के साथ एक टू आता है, तो देखो अगला टू आया हुआ है ना, तो पीछे जो है वो टी डबल ओ टू आएगा, ठीक है। ये टू जब भी बहुत वाला टू जब लगाते हैं तो उसके आगे एक और टू लगाते हैं, जैसे द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, है ना भाई, He is too naughty to handle. इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। मेमोरियल डे और हॉलीडे सेट असाइड टू रिमेंबर दोस हु हैव डाइड इज यूजुअली सेलिब्रेटेड ऑन डैश 30th में, द 30th में, मे 30, द 30th ऑफ मे, बी द 30th में, ए होगा 30th में, ए होगा, ए होगा, ओके बताता हूँ मैं। अच्छा ये जो एमसीक्यूज़ जो निकलते हैं ना ये वाले, तो ये जो वेबसाइट मैंने आपको बताया था, तो ये टोएफिल के एमसीक्यूज़ होते हैं, TOEFL, टोएफिल। टोएफिल किसे कहते हैं? दिस इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ, एफ मतलब होता है फॉरेन और एल फोर होता है लैंग्वेज, तो आपने सुना होगा अभी टोएफिल लिखा होता है, TOEFL, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज कहलाता है ये, तो खास तौर पे अगर आपको इफ़ यू वांट टू गो टू यूएसए और यू आर गोइंग टू गो कनाडा, यूएसए कनाडा के लिए जो है ना वो और भी चीज़ों के साथ ये टोएफिल भी आप कर सकते हैं, जैसे आइल्स अक्सर जो है वो हमारा यूरोप के लिए चल रहा होता है, इसी तरह से जो टोएफिल है वो हमारा यूएसए कनाडा अगर आपको मूव करना है, इमिग्रेशन करनी है या किसी और तरह से, तो उस वक्त ये टेस्ट आपको देना पड़ता है, तो ये उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, टोएफिल के ना पास्ट पेपर्स होते हैं ये, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज के, तो बताइए फिर भाई बताइए, वो स्टूडेंट्स करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली होती है और ग्रेजुएट होकर पर उन्होंने अच्छी खासी तैयारी की होती है, मतलब कितने ही पैसे देकर इंग्लिश की, तब जाकर वो ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तब वो उन टेस्ट में आते फिर भी अक्सर फेल हो जाता उसमें और इमिग्रेशन नहीं हो पाती उनके और नंबर नहीं आ पाते उनके, और ये आप एनईडी के एंट्री टेस्ट में दे रहे होते हैं आपके सारे क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा टफ होता है लेकिन प्रैक्टिस करने से सही हो जाता है, मतलब वरना तो बहुत आसान एमसीक्यूज भी बन सकते हैं अगर देखा जाए तो, मतलब बहुत आसान भी बन सकते हैं, जैसे द कैट इज डैश द टेबल अंडर द टेबल, ऐसा भी आ सकता है लेकिन वो फिर उस लेवल का नहीं होता, तो ये अगर आप जो मैंने वेबसाइट बताई थी ना आपको, आप देखोगे तो उस पर ऊपर लिखा हुआ ये टोएफिल, मतलब TOEFL टोएफिल प्रैक्टिस क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है वेबसाइट, ठीक है, तो इसी लिहाज से, तो ये यूनिवर्सिटी के लेवल का नहीं है, यूनिवर्सिटी मतलब जो यूनिवर्सिटी पास आउट हो गए उनके लेवल की इंग्लिश है, जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अब्रोड या इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं उनके लेवल की, दैट्स वाई इंग्लिश टफ होती है एनईडी, इसी वजह से जो नॉर्मल इंग्लिश आपको आते हैं ना जिंदगी भर वो एनईडी में काम नहीं आती, जो बचपन से आप पढ़ते रहे उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, तभी हम केमिस्ट्री को छोड़ कर हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रीज़न यही है कि इसी में नंबर कट रहे हैं बच्चों के मेजोरिटी के, मैंने यही देखा इंग्लिश केमिस्ट्री में तो ज़्यादातर के अच्छे ही आए, ओके सो यहाँ पर आंसर पता है क्या है ऊपर वाले क्वेश्चन का, एक जुमला मिस तरह से कहते हैं ना कि His marriage ceremony is going to be solemnized on the 13th of May. On the 30th of May, तो उसका D option correct है, ना A correct है ना B. On the 1st of next month, on the 15th of July, on the 14th of August, इस तरह से लिखा जाता है, जो proper way है ना date को लिखने का वो यही English है,
प्रॉपर है मैं, बाकी बोल तो वैसे भी सकते हैं बट सही तरीका नहीं है वो, ठीक है। जो नॉन नेटिव स्पीकर है वो तो ऐसे भी बोलते हैं, बट जो नेटिव स्पीकर्स हैं उसी तरह से बोलते हैं, तरीका यही है। नेक्स्ट है द किलोया वॉल्केनो डैश ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑन द लार्जर मौना टुआ वॉल्केनो। ओके क्या होगा बोलो, ए हो जाएगा, इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न, सही है, क्लियर है दोनों एमसीक्यूज। बाकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो एक्सप्लेनेशन मैं हर क्वेश्चन का आपको दूंगा कि ये क्यों आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश ह्यूमन बींग्स हैव रिलेटिवली कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, डैश में क्या आएगा, ए बी सी डी बोला सब एक जैसा लग रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही कहा आपने, सी ऑप्शन। लाइक ऑल मेमल्स ह्यूमन बींग्स हैव रिलेटिवली कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब बाकी तमाम मेमल्स की तरह इंसानों का भी बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। डैश इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, क्या होगा तुम्हारा बताओ, आया था ना तुम्हारा, क्या लगाया था, कैल्शियम, सी ऑप्शन, ठीक है। तो कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट, इतना आसान है उसमें भी तुम बोला नंबर में नहीं है, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, डैट कैल्शियम तो होगा नहीं, अल्दो कैल्शियम तो होगा नहीं, जस्ट कैल्शियम, ठीक है, क्लियर है। ये तो ये भी पास पेपर का ही है। नेक्स्ट 12 में ये थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया, मोस्ट स्टोर्स इन द लार्ज अमेरिकन सिटीज क्लोज डैश 5 or 6 o'clock ऑन वीक डेज बट द मॉल्स इन द सबवेज स्टे ओपन लेटर, तो ये ऐड हो जाएगा ना, टाइम आ रहा है ना 5 or 6 o'clock, क्लॉक टाइम के साथ वैसे भी प्रेपोजिशन हम ऐड लगाते हैं, ईजी है। नेक्स्ट 14, डैश इज एन एंशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सी यस, विंड इज एन एंशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कोई मसला, ईजी है। ये एनईडी के हैं भाई, इसी लेवल के हैं ये एनईडी के, तो इतने ग्रामर बेस्ड आसान होते हैं, जो वोकैबुलरी बेस्ड है ना उन्होंने मैंने आपको कल करा दिए, वो थोड़े से टफ होते हैं, जिसमें पता ही नहीं लग रहा होता है, जिसमें उर्दू बताना, इसमें उर्दू मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर लोगे, और ऐसे भी आते हैं एनईडी में, आपको पता आपके ऐसे भी सवाल इस तरह के भी आए होंगे, वो आराम से हो जाता है। चार्ली चैपलिन वॉज अ कॉमेडियन, डैश वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन साइलेंट मूवीज, क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, हु वॉज बेस्ट नोन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 16, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इट इज नॉट द मोनार्क बट द प्राइम मिनिस्टर डैश, पार्लियामेंट्री निजाम में बादशाह नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर डैश, क्या होगा, बी, बट द प्राइम मिनिस्टर हु हैज द रियल पावर, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है। आज तो मुबशीर है, आज तो जल्दी हो जाएगा कल तो बहुत टाइम लग गया, तो वो कल करा दिया मैंने, तो वो कल हो गया, देख लेना घर जाकर, अपलोड कर दिए मैंने कल, वोकैबुलरी वाला कर दिया रात, मैंने बताया तो था कि वो जो कल मैंने आपको बताया बताया था ना, उसमें 2 lectures थे, एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड पहले से कर लिया था नॉर्थ कैंपस में, और तो वो इसलिए मैंने कल रिकॉर्डिंग नहीं की थी उसकी, तो वो लेक्चर मैंने डाल भी पहले ही दिया था। एनईडी पास पेपर की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, चूंकि सारा मैं पास पेपर में ही प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, इधर उधर ऐड नहीं कर रहा प्लेलिस्ट में, वीडियोस में एक ही जगह पर ऐड हो रही है सारी, चूंकि पूरे कराची के बच्चे एक ही प्लेलिस्ट को हिट कर रहे हैं जाकर, जो यूट्यूब तो हमें बताते हैं कि कौन सा प्लेलिस्ट क्लिक हो रहा है ज़्यादा, तो एनईडी पास पेपर ही क्लिक कर रहे हैं सारे बच्चे, तो मैंने वहीं वीडियो डाल रहा हूँ ताकि बच्चे इधर उधर ना जाए, वरना इतने सारे प्लेलिस्ट से बच्चे परेशान रहते हैं कि सर 2020 का लगे, 21 का लगे, 22 का लगे, 23 का लगे, 24 का लगे, कितना लेक्चर देखें हम आपका, मैं वही बोलता हूँ साइंसदान थोड़ी ना बनना है, डायरेक्ट पास पेपर का देखो, हाँ कि जिंदगी रह के भी पढ़ाने के लिए खड़े होगे तो वो सब भी देख लेना, काम ही आ जाए, कुछ सीख लोगे, अभी तो नंबर लाना है तो पास पेपर देख लो बस, सीखना है तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है लेक्चर, जिंदगी भर सीख सकते हो, इतना कुछ डाला हुआ। ओके नेक्स्ट है, ऑल सिट्रस डैश ऑल सिट्रस फ्रूट ओरिजिनेटेड विद द चाइनीज ऑरेंज, बताओ क्या है, आसान है ये तो, जोर से बोलो, डी ऑप्शन होगा ना, इट इज़ बिलीव्ड दैट ऑल सिट्रस फ्रूट्स ओरिजिनेटेड विद द चाइनीज ऑरेंज, क्योंकि ओरिजिनेटेड आ गया ना बेटा, तो यहाँ पर बिलीव नहीं होगा, चूंकि पास है तो पास लग जाएगा उसके साथ, तो इट इज़ बिलीव नहीं, तो इट इज़ बिलीव दैट, ये समझा जाता है कि तमाम सिट्रस फ्रूट जिसमें सिट्रिक एसिड होती है, रस भरे फल जो होते हैं वो ऑरिजिनेट हुए हैं, मतलब इनकी एवोल्यूशन हुई है चाइनीज ऑरेंज से, तो बॉटनी का कोई एमसीक्यू उस टाइप का ही। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, कुछ मौरखों के मुताबिक, तारीख दानों के मुताबिक, इफ नेपोलियन हैड नॉट इन्वेडेड रशिया, अगर नेपोलियन ने रशिया पे, डायरेक्ट बता रहा हूँ कंडीशनल है ना, क्या होगा बोलो,
सी होगा बिल्कुल, क्योंकि कंडीशनल है ना, हेड आ गया या पास परफेक्ट आ गया तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड कंडीशनल जिसको हम कहते हैं, रिग्रेट्स को शो करता है ना ये। फोर्थ है ओनली व्हेन इट रेन्स फॉर मैनी डेज, ये जीरोथ कंडीशनल है, जब कई दिनों तक बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है ना, जब बारिश होती है तो पानी आता है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी या डी हो जाएगा, देर इज़ अ फ्लड, तो सैलाब आ जाता है। ये रियल सिचुएशन की बात कर रहा है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, जीरोथ कंडीशनल कहते हैं ना इसको, पता ही होगा आपको। ये भी है पास पेपर का, इसका बताइए, ये भी आया होगा आप में से किसी का, डैश वॉज द डे बिफोर यस्टरडे। अब ये चार ऑप्शन है, द फ्रांसिस इंडिपेंडेंस डे, द डे ऑफ द फ्रेंच इंडिपेंडेंस, फ्रेंच इंडिपेंडेंस डे, फ्रांसिस इंडिपेंडेंस डे, आप बताइए। इसे बच्चे बड़ा गलत करते हैं, फंस जाते हैं उसमें। डी ऑप्शन कह रहे हो आप, ये मुबशिर कह रहे हैं डी, और बताएं अशर कह रहे ए, चलो और बताओ, पता नहीं आप बताओ ना, मुझे क्या पता, ये मुश्किल है एमसीक्यू ना, अक्सर बच्चे गलत करते इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ कुछ कह रहे हो फाद आरिफ, हाँ जी क्या और क्या बताइए, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो फाद, क्या ए, ए कह रहे हो, ए ही लग रहा है, मतलब देखते हैं, और द ए और डी, बी और सी कोई बोलेगा, नो, अच्छा जी बी और सी तो नहीं कह रहा ना कोई ऑप्शन में, पक्की बात है, चलो बी और सी तो है भी नहीं अभी, या तो ए है या तो अभी डी है, द फ्रांसिस इंडिपेंडेंस डे या फ्रांसिस इंडिपेंडेंस डे। अच्छा देखो, अगर ये फ्रेंच में अगर ना, अगर ये एपोस्ट्रॉफी एस नहीं होता ना तो ये सही हो जाता, लेकिन फ्रेंच एस नहीं हो सकता ये, ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि पहले ही है फ्रेंच बता रहे ऑफ फ्रेंच, तो उसको एपोस्ट्रॉफी एस की नीड ही नहीं होती है, प्रॉपर एडजेक्टिव है ये, तो ये तो गलत है पूरा सी। द डे ऑफ द फ्रेंच इंडिपेंडेंस, इसको ज़्यादा बेहतर हम इस तरह से लिख सकते हैं, फ्रांसिस इंडिपेंडेंस डे, और दाफ जो है नहीं लगेगा, क्योंकि कंट्री नेम है ना, कंट्री नेम से पहले दाफ नहीं लगता कभी भी, मुल्क के नाम के साथ दा नहीं लगता कभी भी मुल्क के नाम से पहले, ये क्रॉस हो जाएगा इसमें, कुछ कंट्रीज़ के नाम से लगता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट है जो मुबशिर ने बताया, फ्रांसिस इंडिपेंडेंस डे, इसको हम द डे ऑफ द फ्रेंच इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट आंसर है, चूँकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिंपल है, सबसे शॉर्ट है, सही है, क्लियर है। तो ये पास पेपर में देखा होगा आपने ये वाला सवाल कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर एवरी डे, ये भी पास पेपर का, बताइए इसी राउंड वन में आया था ये, बताइए क्या होगा, क्या आपके मुल्क के लोगों को रोज़ाना परचून के दुकान जाना पसंद है, डू पीपल इन योर कंट्री लाइक टू गो, यस ए ऑप्शन होगा, सही है, डू सही बनेगा ना, पसंद है, डू यू लाइक दिस, इस तरह से क्या था। टेंथ है ओनली डैश ऑफ द ब्रीड्स ऑफ कैटल हैव बीन ब्राउट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, अ स्मॉल अमाउंट, अ लिटिल अमाउंट, अ स्मॉल नंबर, अ लिटिल नंबर, सी अ स्मॉल नंबर ऑफ द ब्रीड्स ऑफ, यस सही है, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि लिटिल जो है ना, लिटिल वैसे भी हम अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं और अमाउंट भी अनकाउंटेबल के लिए ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा अ स्मॉल नंबर, ठीक है, थोड़ी सी तादाद। ट्वेल्थ है मैनी बुक्स डैश बट वन ऑफ द बेस्ट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं कामयाबी के बारे में, लेकिन सबसे बेहतरीन किताब है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसको लिखा है डेल कार्नेगी ने, क्या हो जाएगा, बहुत सी किताबें कामयाबी के बारे में लिखी गई हैं, क्या
हैव रिटन अबाउट सक्सेस, मुबशिर कह रहे ए, और बाकी और बताए, यही होना चाहिए। बी है रिटन अबाउट सक्सेस, ये हैव बीन रिटन अबाउट सक्सेस, डी है अबाउट सक्सेसफुल। डी तो नहीं होगा भाई, मैनी बुक्स अबाउट सक्सेसफुल ही, क्या अबाउट सक्सेस हो सकता था, मैनी बुक्स अबाउट सक्सेस होता तो फिर सही हो जाता। ये डी तो पक्का नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहे हो, ए बी सी, बाकी। अच्छा यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है। रीज़न बता देता हूँ क्यों, पैसिव वॉइस है ये। मैनी बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट सक्सेस, काफ़ी किताबों को लिखा गया है जो कामयाबी के बारे में है, तो हैव रिटन करेंगे तो काफ़ी किताबों में ने लिखा है, इसका ये हो जाएगा कि काफ़ी किताबों ने कामयाबी के बारे में लिखा है, और इसका मतलब है काफ़ी किताबों में कामयाबी के बारे में लिखा गया है, किसने लिखा नहीं पता। तो ये पैसिव के लिहाज से क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आपके साथ बीन लगेगा, तो हैव बीन रिटन अबाउट सक्सेस। बेसिक गलती तुमने कर दी, ये जुमला बनी नहीं ना इसमें कुछ भी। ठीक है, क्लियर है, तो सी ऑप्शन था भाई। बाकी बच्चों ने किसी ने जवाब नहीं दिया, आपने दिया तो बस एक, बाकी बच्चे भी बताएं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है भाई, थोड़ी बहुत तो आती है ना यार, वैसे उर्दू कम आती है, आपको इंग्लिश ज़्यादा ही आती है, तो इंग्लिश तो सही से बताओ आप लोग। फिफ्टींथ, डैश हीट फ्रॉम द सन इज ट्रैप्ड नियर द अर्थ सरफेस, यस वैन हो जाएगा, बिल्कुल सही। सिक्सटींथ, डाइंग ऑफ मेटल्स एंड वेजिटेबल्स इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड वन ऑफ डैश प्रिजर्विंग फूड। ड्राइंग ऑफ मेटल एंड वेजिटेबल्स इज द, क्या हो जाएगा, सी, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वेज, बिल्कुल सही है, ऑफ प्रिजर्विंग फूड, सही है, क्लियर है। 23, स्लाइड नंबर 23 है, डैश एंटी ट्रस्ट लॉस डिड नॉट एग्जिस्ट इन द US, देयर वुड बी एज मच कंपटीशन इन सर्टेन, इफ आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से स्टार्ट होगा। 18th, इन 1774 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल कॉलोनीज डैश अटेंडेड द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, 1784 में डेलीगेट्स तमाम कॉलोनी से, सी एक्सेप्ट जॉर्जिया, बिल्कुल सही, अटेंडेड द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, मतलब सवाए जॉर्जिया के तमाम कॉलोनीज ने फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को अटेंड किया, उसमें शामिल हुए, तो द एक्सेप्शन वॉज जॉर्जिया, जॉर्जिया एक्सेप्ट दैट जॉर्जिया वॉज, ये सब फिट नहीं हो रहा सर। फर्स्ट, ली कंट्रीब्यूटेड $50, ये भी पास पेपर के, देखिए ली कंट्रीब्यूटेड $50 बट ही विशेस ही कुड कंट्रीब्यूट डैश, ली ने $50 अतिये में दिया और वो ख्वाहिश रखता है कि वो मजीद $50 और दे सके, क्या हो गया मुबशिर, सी, यस बिल्कुल सही है, कंट्रीब्यूट अनदर 50 कि वो मजीद $50 और कर सके, तो ये सिंपल, देखो बाकी सब में भी मायने वही बन रहे, वन अदर $50, द सेम अमाउंट ऑल्सो मोर $50, लेकिन जो बेसिक है ना अनदर 50 है, तो ये सिंप्लीफाइड वे पर आंसर आ गया। तो फिर शॉर्ट सेंटेंस ढूंढ लेते हैं जब आपको सारे आंसर सही लग रहे हो। इट इज ग्रेविटी डैश ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, बी, यस सही है, बी, डैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, जो खींचती है चीज़ों को अपनी जानिब, क्लियर है भाई, इजी है। द व्हील डैश हैज रिमेन्ड इंपॉर्टेंट फॉर 4000 ईयर्स इज वन ऑफ द मैनकाइंड्स फर्स्ट इन्वेंशंस, यस सी ऑप्शन, विच हैज रिमेन्ड इंपॉर्टेंट फॉर 4000 ईयर्स इज वन ऑफ द मैनकाइंड्स फर्स्ट इन्वेंशंस, कल क्लियर है, समझ में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं आपको भी, आंसर तक पहुंच पा रहे हो सब, कुछ बच्चे बहुत तेजी में पहुंच पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा देर में भी समझ पा रहे हैं तो ठीक है, टाइम होता है एलईडी में आपके पास MCQs को देखने और समझने में। नेक्स्ट, डैश हैज इंप्रूव्ड अ लॉट सिंस शी स्टार्टेड हर न्यू जॉब, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, मैरीज टाइपिंग हैज इंप्रूव्ड अ लॉट सिंस शी स्टार्टेड हर न्यू जॉब, मतलब मैरी की टाइपिंग स्पीड जो है ना बहुत बढ़ गई जब उसने जॉब को शुरू किया। बाकी आप खुद देख लो, बाकी ऑप्शन को गलत बैठ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं रहा, टाइम लगता है, थकता भी हूँ मैं इस वक्त।
आप खुद ही पढ़ लोगे आपको लगेगा सर रॉन्ग है, एग्जैक्ट रॉन्ग है, मतलब आपको पता लग जाएगा सर जिंदगी में कभी ऐसा बोलते ही नहीं है, ठीक है इस लाइन को। नेक्स्ट, आई नो डैश अ डिफरेंट वे टू गेट देयर बट आई लाइक दिस वन, जस्ट बी हो जाएगा। आई नो देयर इज अ डिफरेंट वे टू गेट देयर बट आई लाइक दिस वन, मुझे पता है कि एक और रास्ता है उधर जाने का लेकिन मुझे ये रास्ता पसंद। आई नो इट इज अ डिफरेंट वे टू गेट देयर, नहीं ना इट इज तो मतलब जो चीज सामने है, ये इट इज मतलब वो तो कह रहे हैं कि एक और दूसरा रास्ता है जो शायद सामने नहीं कहीं और है, तो देयर इज अ डिफरेंट वे कि वहां दूसरा एक और रास्ता है लेकिन मुझे ये रास्ता पसंद है दिस वन जिस पे चल जाऊं, वो इट तो वो हो गया ना जिस पे चल रहा भी हो, ठीक है। नाइन्थ है, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेस कैन कॉज इंजरीज डैश द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट केयरफुल, क्या होगा बोलो सब बच्चे बताए बोले, इफ हो जाएगा अगर पार्टिसिपेंट्स केयरफुल नहीं रहेंगे तो फिजिकल फिटनेस इंजरी कॉज करेगी। 15वां, एवरीवन डैश एल्बिनोस हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पिगमेंट इन द स्किन टू ऐड कलर, मतलब जो है ना पता नहीं शायद मेलानिन कहते हैं, मेलानिन नाम का जो है वो एक कोई पिगमेंट होता है, पढ़ा होगा यस, मेलानिन जो होता है वो आपकी स्किन को जो है ना वो टोन देता है, व्हाइटिश टोन देता है या फिर ब्राउन टोन देता है, मेलानिन कहते हैं बायोलॉजी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसको पिगमेंट होता है ये, लेकिन कुछ लोगों के ना बॉडी से बॉडी में मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होता तो उनको एल्बिनोस कहा जाता है, एल्बिनोस वो बीमारी एक होती है जिसमें वाइट पैचेस होते हैं चेहरे पर, ये पूरा चेहरा ही वाइट होता है मतलब पूरी बॉडी वाइट होती है, देखा होगा आपने, उनको हम लोग एल्बिनोस कहते हैं। तब बताओ आंसर क्या होगा बोलो, ए हो जाएगा, एवरीवन बट एल्बिनोस हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पिगमेंट इन द स्किन टू ऐड कलर, मतलब एल्बिनोस के सिवा हर किसी के जो बॉडी में मेलानिन मौजूद होता है जो उनके स्किन को एक कलर एक टोन देता है, सही है तो सिंपल है। एल्बिनोस किसे कहते हैं, बर्ड्स की बीमारी जिनको होती है उन्हीं को कहा जाता है, वाइट पैचेस होते हैं देखा होगा आपने। नेक्स्ट है 18, टेक्निकली ग्लास इज अ मिनरल एंड डैश, टेक्निकली ग्लास एक मिनरल है और पानी भी एक मिनरल है, कैसे बोलेंगे इसको, हाँ ए वाटर सो तुम तुक्का नहीं मारो बेटा ये तो आई नहीं तो बाकी बताओ, एंड सो इज वाटर, यस इस तरह से बोलते हैं ना, टेक्निकली ग्लास इज अ मिनरल एंड सो इज वाटर, इसी तरह से पानी भी, एंड सो डू यू बोलते हैं ना, एंड सो यू आर, ही इज अ फूल एंड सो यू आर, एंड सो आर यू, कि वो भी बेवकूफ है और तुम भी बेवकूफ हो, इस तरह से बोलते हैं ना, तो सो इज वाटर ये होना चाहिए, नहीं पढ़ा क्या इस तरह से जुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनलाइक द अर्थ विच रोटेट्स वंस एवरी 24 आवर्स डैश वंस एवरी 10 आवर्स, मतलब जमीन के बरक्स जमीन जो कि 24 घंटे में एक बार घूमती है तो डैश वंस एवरी 10 आवर्स, डैश जो है वो 10 घंटे में एक बार घूम जाती है, तो अब डैश में क्या आएगा, जुपिटर के बारे में बात करें दैट इज द फिफ्थ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, या सी ऑप्शन बिल्कुल सही, जुपिटर रोटेट्स वंस एवरी 10 आवर्स, क्लियर है जुपिटर घूम, बाकी सब फिक्स नहीं हो रहा उसमें। अबाउट 20 माइल्स फ्रॉम बॉस्टन डैश अ लिटिल टाउन नेम कॉन्कॉर्ड दैट हैज अ रिच हिस्ट्री, बोलो बी ऑप्शन, देयर इज अ लिटिल टाउन नेम कॉन्कॉर्ड दैट हैज अ रिच हिस्ट्री, मतलब बॉस्टन से 20 मील के फासले पर एक छोटा सा टाउन है कॉन्कॉर्ड जिसका नाम है जिसकी एक बड़ी मिसाली एक तारीख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 32 स्लाइड नंबर है, डैश द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड टू हेल्पिंग पीपल अवॉइड इंजरी एंड डिजीजेस, रेड क्रॉस एक इदारा है जिसको रेड क्रिसेंट भी कहा जाता था पहले, हिलाल अहमर सोसाइटी, तो रेड क्रॉस के हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, जंग वगैरह कहीं पर होती है ना तो उस पर जंग की वजह से जो नुकसान होते हैं ना उनकी भरपाई करती है वो, और वो लोग जो वहाँ पर ज़ख्मी होते हैं उनका इलाज होता है रेड क्रॉस, तो क्या होगा बताइए यस डी ऑप्शन, कौन कह रहे हो तुम, कह रहे हो डी, और कौन कह रहे हो डी, बाकी और बच्चे बताए डी के अलावा, ए बी सी
द कमिट द रेड क्रॉस, द रेड क्रॉस टू कमिट, कमिटेड टू द रेड क्रॉस इज क्या होगा मुबशिर? सी। और कोई? ए और बी बच गया, तुक्का लगा दो क्या पता ए भी सही हो जाए। वैसे वो तुक्का मारनी है नीडी में जाके तुम लोगों को। मतलब ये ए और बी नहीं है, ए होगा, हटा दो उसको। सही है, बोलो। और कोई? बी और सी बचा हुआ अभी, क्या पता बी और सी सही हो, मुझे नहीं पता। क्या अशर तुम क्या कह रहे हो? डी पे तो मटके हो, सही है। और कोई? बस बाकी सब नॉन इनडिफरेंट, बाकी तो सर ताक रहे होते लग रहे हैं कि क्या देख रहे हैं पता नहीं। तुमको तो फिल्म थोड़ी ना चल रही है, यहाँ पे बताना होता है कि क्या आंसर है। देख रहे फिल्म की तरह, हमें फिल्म नहीं है भाई, बताना होता है क्या आंसर है, क्लास चल रही है। बोलो, डी नहीं होगा, क्या होगा फिर? क्या होगा? मुझे नहीं पता क्या सही है, आप बताओ। डी नहीं है तो क्या सही है? बी सही है, ठीक है, बी सही है, सही है, डी ही सही था। अब सही है, किसी ने सही नहीं बताया, क्यों तो इतना कंफ्यूज क्यों रहा? सही तो था डी, द रेड क्रॉस इज कमिटेड टू द प्रमोशन, मतलब रेड क्रॉस कमिटेड है कि वो प्रमोट करे क्या, कमिटेड टू द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड टू हेल्पिंग पीपल। जेरेंड लगा हुआ है इसमें, तो आपको स्पॉटिंग एरर होने ना करना है जो आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ देखो ना आप, बाकी तो अजीब सा जुमला बन ही गया। द रेड क्रॉस इज कमिटेड टू, जैसे यू आर इसी तरह से लिखते हैं ना भाई कि WHO इज कमिटेड टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना भाई? इसी तरह से कहते हैं ना भाई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू दिस थिंग, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू दिस थिंग, कि ये इदारा है ये इस चीज़ से कमिट करता है, वो इस चीज़ के बारे में काम करता है। इस तरह से डी ही ऑप्शन सही था, आपने बिला वजह चेंज किया उसको। तो कभी कभार आपको सही लग ही रहा होता है तो आप परेशान नहीं हुआ कर, उसको चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखें, फोर्थ, द बैंड डैश द बुक स्टोर हैज बीन ब्रोकन इनटू, यस अपोजिट टू द बुक स्टोर हैज बीन ब्रोकन इनटू, अपोजिट टू मतलब सामने, ठीक है, ब्रोकन इनटू मतलब उसमें अंदर कोई घुस जाना, मतलब लाइक डाका डालना उसके अंदर जाकर, ब्रोक इनटू का मतलब ये होता ना, फ्रेजल वर्ब है, इंग्लिश में भी आता है। नेक्स्ट देखें हम स्लाइड 33, सेवरल ऑफ दीज वॉशर्स एंड ड्रायर्स आर आउट ऑफ ऑर्डर एंड डैश, ये भी है पास पेपर का, ये भी आएगा आपका राउंड टू में, बताइए। देखा ना ये, नीड टू बी रिपेयर्ड, दी ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैड नॉट एंटर्ड द सेकंड वर्ल्ड वॉर प्रोबेबली द 1940 अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 40% डैश इज स्टिल फर्दर। हेड नॉट आ गया मतलब थर्ड कंडीशनल है ना, तो क्या हो जाएगा? सी, वुड हैव राइजन हो जाएगा, बिल्कुल सही, डायरेक्ट पता लग जाता है कंडीशनल सेंटेंस में। इफ के साथ हेड आया, पास परफेक्ट आया, उसका मतलब जो हमारे पास रिजल्ट का क्लॉज होगा वो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी, हमारा थर्ड कंडीशनल जो रिग्रेट्स को अफसोस को शो करता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कंडीशनल को ठीक से। नेक्स्ट, द बाल्टीमोर अमेरिकन फर्स्ट ट्राइड टू नॉमिनेट थियोडोर रूज़वेल्ट फॉर द प्रेसिडेंसी डैश, बाल्टीमोर अमेरिकन ने पहले कोशिश की कि वो नॉमिनेट करें थियोडोर रूज़वेल्ट को प्रेसिडेंसी के लिए, अमेरिका की सदारत के लिए डैश, जब उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। कैसे लिखेंगे? जब उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। बी ऑप्शन मुबशिर कह रहे हैं, वेन ही वॉज ओनली 28 ईयर्स, बी ऑप्शन करेक्ट है, जब वो सिर्फ 28 साल के थे, मतलब वेन ही वॉज एज 20, एज की जरूरत ही नहीं था, अब 28 बोल देता, 28 साल के होंगे, जैसे आई एम 19 मतलब मैं 19 साल का, उस तरह से बोलेंगे ना भाई। ओके, नाइन्थ, नॉट ओनली नॉलेज है तो ऐसे ही आ गया, बट आल्सो ढूंढ लो, बट आल्सो लगा भाई लगा भाई, जा तेरी फंसा दी हम लोग को ये, बट आल्सो तो लगा हुआ, एटीट्यूड के बाद क्या लगाना। क्या क्या सुनहरा तुम करो डी, और बताए क्या करो हारिस? सी। और ना सिर्फ इल्म और सलाहियतें बल्कि एटीट्यूड भी
डैश इन स्कूल फॉर स्टूडेंट्स फ्यूचर एडजस्टमेंट टू सोसाइटी। और सिर्फ नॉलेज और स्किल्स नहीं बनाने चाहिए लेकिन एटीट्यूड को भी हमवार करना चाहिए, उसकी भी खेत मतलब काश्तकारी करनी चाहिए। क्या होगा सीआरडी बट आल्सो एटीट्यूड्स नहीं डी होगा नीड टू बी कल्टिवेटेड, मतलब विच नीड टू बी विच की जरूरत ही नहीं थी। नॉट ओनली नॉलेज एंड स्किल्स बट आल्सो एटीट्यूड्स नीड टू बी कल्टिवेटेड, मतलब एटीट्यूड को जरूरत है कि उनको उसको कल्टिवेट किया जाए, तो विच की नीड ही नहीं थी। यहाँ पर सिंपल जुमला ढूंढेंगे ना, मैंने हमेशा बताया आपको जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, आप क्यों लंबे फॉर्म की तरफ जा रहे हो, वैसे ही गलत होगा। 11th विटामिंस एंड ऑर्गेनिक विटामिंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे से, विटामिंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डैश एंड मस्ट बी इंजेस्टेड टू मेंटेन प्रॉपर बॉडीली फंक्शन, मतलब विटामिंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनको लाजमी डाइट के थ्रू इनटेक करना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनलिटी सरंजाम दे सके। क्या होगा सी दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, बिल्कुल सही है सी होगा। 19 द एंड्रोमेडा नेब्यूला, एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नाम है, नियरेस्ट गैलेक्सी है और मिल्की वे से, द एंड्रोमेडा नेब्यूला, नेब्यूला जो है वो गैसेस होते हैं हाइड्रोजन गैस के, स्टार फॉर्मिंग क्लाउड्स कहलाते हैं ये एस्ट्रोनॉमी में, तो एंड्रोमेडा नेब्यूला जो है जो आसमान में कहीं होगा डैश मोर देन 2 million light years आगे वे क्या हो जाएगा, यस कॉमा लगा हुआ है ना दो, हाँ तो यस फिर ए होना चाहिए क्योंकि इसको एक्सप्लेन कर रहा है एंड्रोमेडा नेब्यूला जो एक गैलेक्सी है जो 2 million light years के फासले पर मौजूद है, कैन बी सीन फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सही है ए सही होगा चूंकि दो कॉमा के बीच में जो लगा हुआ है ना तो असल में एक्सप्लेन कर रहा है स्टार्टिंग वर्ड को कि एंड्रोमेडा नेब्यूला होता क्या है, तो ये गैलेक्सी एक कहकशा है जो कि 2 million nuri years के फासले पर लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है अर्थ से, ठीक है तो ये सही कह रहे हो बिल्कुल मुबशिर आप, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू 36 नंबर स्लाइड है ये, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट द प्रिंसेस ऑफ वेल्स हैज बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, अच्छा ये टैग क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग जिसको हम कहते हैं ना, बी होगा गलत जवाब, ए होगा क्या, तो वो उसको एक्सप्लेन कर रहे जुमलों को आगे, सवाल में इससे हो रहा है ना कि ये पहली दफा है कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का सफर कर चुकी हैं, क्या ऐसा नहीं है, तो ये तो नहीं बोल रहे कि ऐसा नहीं हो चुका है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, तो इजेंट इट इजेंट शी, क्या इसने ऐसा नहीं किया, ठीक है तो इट इज से लेना पड़ेगा उसको, ठीक है तो पहले वाले स्टेटमेंट देखेंगे हैज से नहीं देखेंगे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, डी है द आयरिश ब्राउट द पॉपुलर कस्टम ऑफ हेलोवीन टू अमेरिका डैश 1840, आयरलैंड के लोगों ने हेलोवीन का कल्चर अमेरिका लेकर आए 1840 में, बोलो एयर आ गया ना, एयर में तो बी आ जाएगा, इन आता है एयर में, बल्कि डिकेड्स है ना 1840s डिकेड है 10 साल को शो कर रहा है 1840 के दिहाई में, मतलब 1840 से 1849 के बीच में हेलोवीन का कल्चर जो है भूत वूत बनते हैं जिसमें सारे बच्चे लोग, देखा होगा आपने कार्टून में हेलोवीन। ये दोबारा केमिस्ट्री आ गई चैप्टर 10 डैश कैटेगराइज्ड एज लिपिड्स, क्या होगा फैट्स एंड ऑयल्स आर कैटेगराइज्ड एज लिपिड्स, बिल्कुल सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेन वुड हैव स्टडीड मेडिसिन इफ ही डैश टू मेडिकल स्टोर, बी होगा, फिर थर्ड कंडीशन ही आ रहा है सिर्फ इसमें, फिर भी थर्ड कंडीशन है वुड हैव के साथ हेड आ जाएगा तो हेड बीन एडमिटेड, थर्ड कंडीशन है ना वुड हैव आ गया तो हेड के साथ लगेगा, बाकी मतलब सारा सवाल इसमें थर्ड कंडीशनल का, एनईडी में भी थर्ड कंडीशनल ही आ रहा होता है अगर आता है, फर्स्ट सेकंड नहीं कंडीशन आपको मिलेगा, थर्ड ही मिल रहा, थर्ड आया था ना। नेक्स्ट जॉन सेड दैट नो अदर कार कुड गो डैश सो फास्ट लाइक हिज कार, एज फास्ट लाइक हिज कार, एज फास्ट लाइक द कार ऑफ हिम, एज फास्ट एज हिज कार, यस बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है, एज फार एज हिज कार।
उतनी ही तेज़ जितनी ही तेज़ उसकी कार थी। तो जॉन ने कहा कि कोई भी कार उसकी कार जितनी तेज़ी से नहीं सफ़र कर सकती। सही है, डी ऑप्शन होगा। फिर से आ गया थर्ड कंडीशन, ऐसे ही बता दो विद इन सेकेंड्स सी हो जाएगा इफ़ यू हैड पेंटेड दैट पिक्चर। सारे थर्ड कंडीशन आ रहे हैं रेडियो। ओके, द पीपल ऑफ वेस्टर्न कैनेडा हैव बीन कंसिडरिंग डैश देमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। सोचिए, ए कंसिडरिंग टू सेपरेट देमसेल्फ, बिल्कुल सही ए ऑप्शन, टू सेपरेट देमसेल्फ्स। पांचवा, द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस, डबल कंपैरेटिव है, सी हो जाएगा बिल्कुल, द हायर द प्राइस, डबल कंपैरेटिव इसी को कहते हैं हम लोग। सही है, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ आती है तो दोनों के साथ द आता है। नाइन्थ है, द लुइजियाना टेरिटरी, अमेरिका की स्टेट है लुइजियाना, तो द लुइजियाना टेरिटरी एन एरिया डैश द साइज ऑफ फ्रांस वॉज ब्राउड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम फ्रांस फॉर 15 पता नहीं मिलियन इन 1803 डॉलर्स। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी तो हो ही नहीं सकता। एन एरिया इज फोर टाइम मोर देन, आप लोग क्या कह रहे बाकी, यस बी ऑप्शन होगा ना। अब देखो दो कॉमा लगा हुआ है, नहीं ना, लुइजियाना टेरिटरी, लुइजियाना टेरिटरी के बारे में कह रहे हैं कि जिसका एरिया चार गुना ज्यादा है, तो किससे, फ्रांस से, एन एरिया मोर देन फोर टाइम्स ऑफ फ्रांस। नहीं नहीं, लुजी देखो ये लुइजियाना टेरिटरी जो है ना उसको एक्सप्लेन कर रहा है ये। अगर आप ये पूरा जुमला हटा दो ना यहाँ से यहाँ तक तो अभी जुमला करेक्ट है, तो ये कॉमा तो सही लगा हुआ है। अगर एरिया के बाद कॉमा लगाओगे तो सेंटेंस सही बनेगा ही नहीं। ठीक है, एन एरिया मोर देन, नहीं तो इज फोर टाइम मोर देन तो वैसे भी नहीं बन रहा, नहीं एन एरिया मोर देन नहीं, सही डायरेक्ट लग सकता है ये डायरेक्ट बन सकता है इस तरह से। नहीं डायरेक्ट भी बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा, सही है बी ही करेक्ट है। 16 देखते हैं नेक्स्ट, द ह्यूमन ब्रेन डैश ओनली 2% ऑफ एन एडल्ट बॉडी वेट, डी यस मेक्स अप ओनली 2% ऑफ एन एडल्ट बॉडी वेट, कि एक इंसान के दिमाग सिर्फ 2% होता है इंसान की बॉडी के वेट का। 43 स्लाइड देखें, ग्लास दैट हैज बीन टेम्पर्ड मे बी अप टू डैश, वो ग्लास जिसकी टेम्परिंग कर दी जाती है वो क्या होती है, 5 times एज हार्ड एज ऑर्डनरी ग्लास, एज हार्ड एज ऑर्डनरी ग्लास 5 times भी तो नहीं होगा, एज हार्ड एज ऑर्डनरी ग्लास टाइम्स भी तो ऐसे ही नहीं होगा, ऑर्डनरी ग्लास एज हार्ड नहीं, सही यही ऑप्शन करेक्ट, मतलब बाकी सब आगे पीछे हुआ हुआ पैटर्न उसका, सही पैटर्न नहीं है, सही है। 44, इट इज यूजुअली डैश लावा बट गैस दैट किल्स पीपल ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस, क्या, नहीं 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 नहीं, यस बट आल्सो होता है नॉट ओनली के साथ, नॉट हो जाएगा, नॉट के साथ बट होता है, इट इज यूजुअली नॉट लावा बट गैस दैट किल्स पीपल, नॉट ओनली उस वक्त होता है जब बट ऑल्सो होता है उसके आगे, तो नॉट के साथ बट लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है पेयरिंग में, जोड़ी इस तरह से बनती है। नेक्स्ट 14, जैक्सन मिसिसिपी, मतलब जैक्सन कॉमा मिसिसिपी, जैक्सन जो मिसिसिपी स्टेट है उसका एक शहर है अमेरिका में, डैश कैपिटल, मतलब ये एक्सप्लेन कर रहे उसको ना, इज द लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट, क्या मतलब, जैक्सन जो मिसिसिपी में है और जो कैपिटल भी है, ए जैक्सन मिसिसिपी, हाँ
क्या होगा बताओ, चलो तुम लोग बताओ। ए सही है, बी तो होगा नहीं, वो तो ऐसे ही पता लग रहा है। वेयर इज द कैपिटल, थोड़ी ना क्वेश्चन थोड़ी ना है। जैक्सन मिसिसिपी इज द कैपिटल, इज द लार्जेस्ट। अब ये दो कॉमा इसमें चूंकि आया हुआ है ना, तो ये असल में एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, जैक्सन मिसिसिपी, तो ये इज्जा भी नहीं होगा। इज्जा जो कि यहां पर पहले से आया हुआ, जैक्सन मिसिसिपी इट इज द कैपिटल, डी भी नहीं होगा। यस, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। जैक्सन मिसिसिपी द कैपिटल इज द लार्जेस्ट। तो ये जो जैक्सन कॉमा मिसिसिपी आया ना, ये इसको हो रहा सिटी को कंट्री से अलग कर रहे हैं, जैसे कराची कॉमा पाकिस्तान ऐसे लिखते हैं ना, एड्रेस लिखते हैं कराची कॉमा पाकिस्तान, वैसे ही जैक्सन कॉमा मिसिसिपी। और उसके बाद फिर ये जैक्सन सिटी जो है ना, उसको एक्सप्लेन दो कॉमा के बीच में किया जा रहा है, जो कैपिटल है वो कहा जा रहा है कि इस स्टेट का, मिसिसिपी स्टेट का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो ये दा आएगा, सही कह रहे थे ये ऑप्शन। 45 स्लाइड है। द स्टूडेंट मैनेज टू पास द एंट्रेंस एग्जामिनेशन डैश ही वॉज ब्लाइंड। स्टूडेंट या तालिबे इल्म ने जो है ना वो एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया, अगरचे बावजूद उसके के अंधा था, अंधा होने के बावजूद पास कर लिया, क्या अनलेस, गलत जवाब, अनलेस क्यों होगा, अनलेस कहीं ऐसा ना हो, अनलेस कहां से, ए हो गया ना। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ही वॉज ब्लाइंड, बावजूद इस हकीकत के अंधा था, उसने एग्जाम को पास कर लिया। अब बिकस तो हो ही नहीं सकता था, मतलब क्योंकि वन दाता तो इंसान को पास कर लिया, ये कौन सा सिस्टम। इन स्पाइट को वर्ड देखो, इन के बाद स्पेस होता है, इन स्पाइट ऑफ, ये पूरा वर्ड इन अलग है, स्पाइट अलग है, ऑफ अलग है, गलत होता है बिल्कुल। इन स्पाइट अलग अलग, नहीं इन स्पाइट ऑफ द थिंग, नहीं नहीं लगता, एक मिनट, इन स्पाइट ऑफ में नहीं लगता, अब मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये इन स्पाइट है, अरबिक डी स्पाइट होता है, डी स्पाइट का मतलब यही होता है, बावजूद। लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है, डी स्पाइट के बाद ऑफ जो है ना वो नहीं आता, इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है, डी स्पाइट के बाद नहीं आता ऑफ। लेकिन हम उसको डायरेक्टली रन ऑन सेंटेंस में बना सकते हैं विदाउट यूजिंग अ कॉमा, उसमें कॉमा नहीं लगेगा, नहीं इसमें डायरेक्ट लगेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ट्रीट डायबिटीज। इंसुलिन की इजाद से पहले यह मुमकिन नहीं था कि शुगर का इलाज किया जा सके, मतलब इंसुलिन की इजाद से पहले, पहले के लिए क्या यूज करेंगे, क्या होगा हारिस, यस मुबशिर, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रियोर टू द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, प्रियोर मतलब होता है पहले, तो प्रियोर टू द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन की दरियाफ्त से पहले डायबिटीज़ का इलाज करना मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो सही है ए ऑप्शन है, प्रियोर टू द। 5 स्लाइड और बचे हैं सिर्फ, 46। मतलब मैं बोला ना आज मुबशिर है क्लास में, आज तो जल्दी हो जाएगा, अरे हो गई जल्दी, तुम लोग बैठे रहते ना तो एक घंटा तुम लोग इसी में गुजार देते, तुम लोग ही बताओ ना यार आंसर तो दो। 9, इट इज अर्थ ग्रेविटी दैट, बोलो ए, दैट गिव्स पीपल देयर वेट, जो देती है लोगों को उनका वजन, ग्रेविटी की वजह से वजन आता है, सही है। नेक्स्ट 47, ओवर एक्सपोजर टू द सन कॉजेज डैश हेल्थ प्रॉब्लम्स, यस ए ऑप्शन बिल्कुल सही। वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ किस्म के बीमारियां होती हैं, वेरियस मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ तरह की। 48, अ 17 ईयर्स ओल्ड, ये भी पास पेपर का है, इज नॉट डैश टू वोट इन एन इलेक्शन, क्या होगा इसका, ए बी सी डी, हाँ क्या होगा, सी होगा, अवश्य गलत, ए होगा, इज नॉट ओल्ड इनफ टू, ओल्ड इनफ कहते हैं ना, ठीक है, old enough to vote in an election. 49, as soon as dash with an acid, salt and sometimes water is formed, ये भी past paper है।
बोलिए, एज सून एज द बेस रिएक्ट्स विद एसिड सॉल्ट एंड समटाइम्स वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है, जैसे ही एक एसिड बेस से, ये भी केमिस्ट्री आ गया, इसमें केमिस्ट्री मिक्स कर रहे हैं इसमें इंग्लिश के साथ। लास्ट स्लाइड है, कॉपर इज द फेवरेट मेटल फॉर इलेक्ट्रीशियंस वायर बिकॉज ऑफ डैश, कॉपर फेवरेट मेटल होता है इलेक्ट्रीशियंस की वायर के लिए, किसकी वजह से, क्या होगा, बी या सी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब एक्सेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इट से ज्यादा बेहतर ये लिखा जाए, आसान है बेसिक। हाँ, दो दफा ऑफ आ जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बिफोर द एंजल्स एंड सैक्सन्स, ठीक है, दो कबीले थे, एंग्लो सैक्सन्स लैंग्वेज इन्होंने बनाई थी, ओल्ड इंग्लिश इसको हम कहते हैं, डैश टू इंग्लैंड द आइबेरियंस हैड लिव्ड देयर, आइबेरियंस वहाँ रहते थे, एंजल्स और सैक्सन्स के आने से पहले इंग्लैंड में, यस सी, बिल्कुल सही, चूंकि हेड आ गया, पास्ट परफेक्ट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो केम टू इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमने यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीशन का लेक्चर 3 यहाँ पर कंप्लीट किया, कुछ चीज़ें बताकर बस मैं क्लास को ऑफ करूँगा, कुछ चीज़ें समझ कर, ठीक है, चूँकि काफ़ी देर से आप क्लास ले रहे हैं इसके अंदर, इसलिए मैं तेज़ी में भी कर लेता हूँ ताकि आपकी एनर्जी बरकरार हो, उससे पहले पहले हम लेक्चर ख़त्म कर दें, ठीक है। तो और क्वेश्चन अच्छे खास हैं, 50 स्लाइड हमने यहाँ पर किया है ओवरऑल, ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और इनमें से पास पेपर के अक्सर थे जो हमने देखे यहाँ पर, आप सबके आए हुए थे, तो इसके अलावा भी बचते हैं कुछ, लेकिन हम देखते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं स्पॉटिंग एरर की तरफ जाऊं। तो मैंने आपको क्या बताया था, एनईडी में इंग्लिश के अंदर हमारे पास जो है ना वो कुछ चीज़ें हैं, चार चीज़ें हमारे पास होती हैं एनईडी के इंग्लिश में, एक हमारे पास होता है पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन, एक हमारे पास होता है सिनोनियम, एक होता है सेंटेंस कंप्लीशन और एक होता है स्पॉटिंग एरर। पैसेज पास्ट पेपर से करना है, वही 12 पैसेज है, एंटोनियोस रिवेंज वगैरह सारे, वही 12 पैसेजेस करने, ये नहीं कि आप सिर्फ ग्लूटेन फ्री बेकिंग कर लो और आप सिर्फ जो है वो बिफोर बैंडेड कर लो या बिफोर कैवेंडिश वाला कर लो, आप बनाना वाला, आपको पूरे 12 करने हैं, क्या पता सर वो 3 में से रिप, लेकिन आप पूरे 12 करोगे, ठीक है, तो ये नहीं कि आप उसको छोड़ के जो राउंड 1 में आया बस वही कर लोगे, ऐसा नहीं करना है, 12 पैसेज करोगे डन, उसमें से एक आपका आया होगा एनईडी में, ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर जितने का भी पैसेज होगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिनोनियम की बात करता हूँ, सिनोनियम में एक ही लेक्चर मैंने डाला है और एक ही पीडीएफ मैंने बनाई हुई है सिनोनियम की, उसी से सारे सिनोनियम करने हैं, उसके अलावा और कहीं से नहीं करना है, उसमें एंड वाले भी लाजमी करने हैं, ये नहीं कि कुछ एमसीक्यूज हैं जिसमें चॉइसेस नहीं है, वो भी आपको करने हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, शुरू के जो है ना वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने एंड के इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्ट में अगर आया होगा तो एंड वाले टॉपिक्स एंड वाले स्लाइड से आया होगा, जो मैंने एंड में दिया था, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसने किया होगा, अब आपने बात नहीं सुनी तो आपने गलत किया एमसीक्यू उसको, ठीक है, उसी पीडीएफ के एंड में पेजेस थे, वो बहुत सारे लाइन में डले हुए थे, बच्चे छोड़ देते हैं उसको कि कौन पढ़ता है उसको, इतना उनको लगता है शुरू वाला इंपॉर्टेंट है, नहीं एंड वाला इंपॉर्टेंट था दादा, उसी में से आया था, आप घर जाके देखना सारा वर्ड मिल जाएगा आपको, तो मैंने बोला भी था कि एंड वाले भी कर लो, लेकिन जिसने नहीं कर लिया था उसका सही हो गया सिनोनियम, जिसने नहीं किया उसका नहीं हो सकता, ठीक है, वरना सारा पास पेपर था, सिनोनियम कोई भी आउट नहीं था, ठीक है, तो सिनोनियम के लिए भी कोई प्रैक्टिस में कराने वाला नहीं, आपको जरूरत नहीं है उसकी, नीड नहीं आएगा नहीं। बाकी जहाँ तक बात है सेंटेंस कंप्लीशन की, तो यहाँ तक 90% सेंटेंस कंप्लीशन मैंने करा दिए जो पास पेपर में आया आपका, अब अक्सर आपको मिल जाएंगे जो आपके पास पेपर में आए हुए थे, अक्सरियत आपको पता लग जाएगी कि हाँ सर मेरे ये आए थे, एक आके शायद होगा जो आपको शायद अभी तक नहीं मिला होगा, वरना सारे मिल गए वो, ठीक है। तो 90% मतलब देखा जाए तो सेंटेंस कंप्लीशन क्रैक कर लिया हमने, अब सिर्फ स्पॉटिंग एरर रहता है, जिसके जो भी 4 सवाल हैं या फिर 5 सवाल हैं जितने भी आ रहे हैं, आइडेंटिफाइंग एरर जिसको हम कहते हैं एरर डिटेक्शन, ABCD जिसमें ब्लैंक्स लगे होते हैं ना, वो ज़्यादा आसान होता है, सेंटेंस कंप्लीशन मुश्किल है, वो आसान होता है एरर को आइडेंटिफाई करना, तो वो चूँकि बस आपको एरर बताना होता है कि जुमले में गलती कहाँ पर है, तो उस पर अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हमारे 25 ना से 24 नंबर आराम से आ जाएंगे इंग्लिश में, और जब आप जाहिर सी बात है कि 24 आप चारों सब्जेक्ट में लेकर आते हैं तो आप 96 तक तो पहुंच ही जा रहे हैं, 96 नहीं आ रहे तो 90 आप ले आएंगे, लेकिन कहीं से तुक नहीं बनता कि आप 70-75 लेकर आओ, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, 70-75 और 65 ये तो बेकार की बात है ना, आनी ही नहीं चाहिए, इसका मतलब आपने
आपको गाइडेंस ही सही नहीं मिली, आपने तैयारी नहीं की, आपने टीचर की बात को सुना ही नहीं, आपने बात को समझा ही नहीं, तभी आपके 60, 65, 70, 75 ये आ रहे हैं। ठीक है, तो रीज़न ये है कि 80 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है एनईडी के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं 80 प्लस लाना, बड़ी बात है 90 प्लस लाना, जिसके लिए मेहनत चाहिए। 80 प्लस तो आना ही आना है ना, डफर बच्चे के भी 80 प्लस आना चाहिए, मेन मसला है 90 प्लस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि चूंकि हमारी परसेंटेज भी फर्स्ट टाइम में थोड़ी कम है ना, हमें सॉफ्टवेयर लेने के लिए 90 प्लस चाहिए, तो हमें 90 प्लस लाना है ताकि हम एनईडी के सुप्रीम फील्ड को उठा सकें। कल भी मैंने बताया था आपको कि एनईडी में जस्ट एडमिशन लेना मकसद नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एनईडी में बस एडमिशन ले लें, एनईडी में फील्ड की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि इस फील्ड में आपका एडमिशन हो रहा है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस तरह के फील्ड है कि जैसे ना कि मक्खियों की तरह लोग उसकी तरफ जमाएँ, जैसे ना कि एक मिठाई है उसकी चारों तरफ मक्खी कैसे जमा हो जाती है एकदम रश लगा के, वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चारों तरफ लोग जमाएँ, जिसको देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी परसेंटेज आपसे कहीं ज़्यादा है, जो एनईडी में सॉफ्टवेयर लेने को आप देख रहे हैं, तो वो तो पहले आपसे ले लेंगे, उनका टेस्ट में थोड़ा कम नंबर भी आ जाएगा तो वो आपसे छीन लेंगे आपका सॉफ्टवेयर, चूंकि उनके फर्स्ट टाइम में ज़्यादा है आपसे, तो आपके तो फर्स्ट टाइम में थोड़े कम आ गए। और जितने भी कराची के टॉपर, अगर टॉप 10 पोजीशन है ना, अगर टॉप 50 पोजीशन की बात अगर हम कर लेते हैं, तो टॉप 50 के टॉप 50 कराची के फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग के, उन सबको सॉफ्टवेयर लेना है एनईडी में। अब आपको उनसे सीट छीननी है जिनकी परसेंट 85, 86, 87 कितनी कितनी है, तो उनको छीनने के लिए हमें टेस्ट में 90 प्लस लाना पड़ेगा कुछ भी करके, नहीं तो हम कैसे छीन पाएंगे। अब हम चाह रहे हैं हम 70-75 नंबर भी लाएं, हमारा सॉफ्टवेयर में भी हो जाए, इंटर में भी काम हो हमारी, तो पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटी होती हैं। एक जगह पर कल मैं फेसबुक ग्रुप पे एक जगह पढ़ रहा था, एक बच्चा कह रहा था कि सर मेरी परसेंटेज है 70% मेरी परसेंटेज है, और मुझसे अक्सर लोग कह रहे हैं कि आपका एनईडी में सॉफ्टवेयर में नहीं होगा, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुन रहा, या मतलब या नहीं सुन रही, इस तरह से कोई मेल या फीमेल थी कि मैं उसकी बात नहीं सुन रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं कि तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा, मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों करें। वो बड़ा उदासी के साथ उस बच्चे ने एक पोस्ट किसी मतलब फेसबुक ग्रुप पे किया था कि मेरी परसेंटेज इतनी कम है और मुझे लोग कह रहे तुम्हारा नहीं होगा, और वो बड़ा उसमें शायद उदास भी था और गुस्सा भी था कि लोग मुझे क्यों बार बार कह रहे नहीं होगा, मतलब हो सकता है मेरा क्यों नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटी होती हैं, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो वो भी समझ लें कि अगर, चूँकि कमेंट्स मैं करता नहीं ग्रुप्स पर, इसलिए मैं डायरेक्ट वीडियो पर बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ है ना कि इंसान ग्राउंड रियलिटी है एक चीज़ की, कि अगर आपकी परसेंटेज कम है ना 70 है, और अगर आपको टेस्ट में अगर आपकी 95 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, या 95 प्लस या 90 प्लस भी कह लेते हैं, 95 बल्कि 90 नहीं, तब जाकर आप क्या होगा, तब आप एनईडी में सॉफ्टवेयर ले पाएंगे, और 95, 96, 97 इस परसेंटेज पर, तो हो तो सकता है सर क्या मसला है, लेकिन इतना आसान नहीं है इतना लाना, चूँकि 5-6 सवाल तो किसके गलत हो जाएंगे, वो तो कल जो मैं बता रहा था आपको, तो ऐसे ही उड़ा दो, मतलब 5-6 सवाल तो पूरा करके भी गलत होने हैं आपके, तो कीज़ में मसला है, आंसर जिसके रॉन्ग है, आंसर कीज़ गलत है, लेकिन 5-6 ही है सिर्फ, वो सारे नहीं, तो इस बच्चे का नहीं हो सकता एडमिशन, ये तो डन है। इसमें ये नहीं कि हम इस बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी यही कहते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर ये कहते हैं कि इसका नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी की 75 है ना और अगर वो 90 ले आए तो शायद उसका सॉफ्टवेयर में हो जाए, तो 90 लाना इतना मुश्किल नहीं है, 95 लाना तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, 90 आ जाते फिर भी, तो ये फिर भी लगता है कि यार डूएबल है, पॉसिबल है। अगर किसी की 80 है तो वो 85 अगर ले आएगा तो उसका सॉफ्टवेयर जैसे कि डन हो जाएगा, ये तो और बेहतर लग रहा है सर कि सर ये तो फिर भी आ सकता है सर, मतलब कहने का मकसद है कि तो ये ग्राउंड रियलिटी ऐसा होता है, याद रखिएगा। और हमेशा याद रखिए कि नंबर आपको गेट करने हैं, आप कीज़ का बहाना नहीं कर सकते। ये बच्चों के हद तक सही चलता है, घर वालों को बोले या इधर उधर बोले मेरे आंसर की में मसला था, वो मैं आपको बता दो, मैं नहीं बताऊंगा ना, आपको पता भी नहीं लगेगा ये बात कि ये मसला है, वो तो मैं जानता हूं ना कि ये मसला है, लेकिन ये हर मैक्सिमम 5 सवाल तक का मसला आ सकता है, क्या पता आपका एक भी मसला ना हो कीज़ का, आपके सारे कीज़ सही हो, और मैक्सिमम अगर गलती होगी तो 5 नंबर की होगी बस मैक्सिमम फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक। और ऐसा भी हो सकता है आपका एक सवाल आया सिर्फ कीज़ गलत वाला, 99 तो आते हैं ना आपके सही गलती करने पर, तो कीज़ के बारे में आपको ये नहीं कह सकते कि कीज़ ख़राब थी। दूसरी चीज़ कि मेरा बहुत टफ आया था, पास पेपर से आउट आया था, तो फलाना आया था, उन्होंने एनईडी वालों ने गारंटी नहीं दी कि हम पास पेपर से देंगे, वो तो हम ये ट्रिक निकालने बैठ के, उन्होंने तो यही कहा कि एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब मकसद क्या है। अगर हम बात करेंगे एप्टीट्यूड की डेफिनेशन जब आप देखोगे तो एप्टीट्यूड का मकसद क्या होता है, टू चेक दैट वेदर यू आर अप्रोप्रिएट फॉर द फील्ड और नॉट। एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप इस फील्ड के लिए मुनासिब हो कि नहीं,
वो ये नहीं चेक कर रहे हैं कि आप कितने जीनियस हो, कितने डफर हो। एंटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए नहीं होता, वो इस चीज़ को चेक करने के लिए होता है कि जो फील्ड आप अपनाना चाहते हैं वाकई में आपके अंदर उस फील्ड के लिहाज से पैशन है कि नहीं है, वो तो ये चेक कर रहे हैं, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। अगर आप उसमें फेल हो गए तो इसका मतलब हुआ कि वो फील्ड आपके लिए नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में आप नाकाम हो गए, इसका मतलब आपके लिए ये फील्ड नहीं है, आप इससे ज़्यादा किसी और फील्ड में कामयाब हो सकते हो, अब वहाँ ट्राई करो। एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल होने का मतलब ये होता है हमारे बच्चों को लगता है नहीं हम तो डफर है, टेस्ट फेल कर दिए, ये बेकार की बात है। एप्टीट्यूड का तो डेफिनेशन ही ये नहीं है अगर आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो। तो कहने का मकसद एप्टीट्यूड टेस्ट इस चीज़ को हम कहते हैं कि आप चेक करते हैं, तो जाहिर सी बात है अब आपको स्किल्स होनी चाहिए ना, नॉलेज होनी चाहिए। आपने 2 साल पढ़ा एक चीज़ को, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, तो आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, ज़िंदगी भर पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप कैसे आंसर सही नहीं देंगे। पास पेपर से नहीं भी आए तो आपको देना चाहिए, नहीं सर फिजिक्स नहीं आ रहा पास पेपर से, तो भाई तो पढ़ा है ना भाई ज़िंदगी में, क्या पढ़ा है फिर बता, रट्टा ही मारे ज़िंदगी भर, इंपॉर्टेंट पेपर, टारगेट पेपर, इन सब के पीछे ही पढ़े रहे इसके मतलब ज़िंदगी भर, और 9 से यही करते हुए आ रहे हो, तो आज हमें आता कुछ नहीं है लेकिन हमने बस पढ़ लिया है, ए ग्रेड एवन ग्रेड बना हुआ है हमारा 9-10 इंटर में, लेकिन हमें आता कुछ नहीं है सर, उसका मतलब आपने सही तरह से नहीं पढ़ा, आप क्यों पास पेपर के पीछे भाग रहे हो। पास पेपर तो शॉर्टकट है, सही तरीका थोड़ी ना ये पढ़ाने का, ये बिल्कुल बेकार तरीका जो मैं, पाकिस्तान है ना जुगाड़ जिसको हम, जुगाड़ सिस्टम, शॉर्टकट, पाकिस्तानी आवाम को शॉर्टकट पसंद है इसलिए हम उनको शॉर्टकट देते हैं, तो ये तो, लेकिन ये तरीका नहीं है पढ़ने का। लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा यूट्यूब पर कि सर ये कर क्या रहे, अगर कोई इंटरनेशनल बाहर का बंदा देखे बोलेगा पागल हो गए क्या, ये पास पेपर पढ़ा रहे, ये कौन सी चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए ना भाई कि ये चीज़ है, ये चीज़, ये चीज़ है, ये है, ये है। लेकिन आप पास पेपर से नंबर हमारा बच्चा ज़्यादा ले आ रहा है, हमारे बच्चे को नंबर चाहिए, उसको कॉन्सेप्ट ढूंढना चाहिए, कह रहे हो तो हमें यही करना पड़ता है, जो बच्चे को चाहिए वही उसको दो, पाकिस्तान है ना क्या करें, लेकिन तरीका नहीं है ये। अब फिजिक्स वाहिद वो सब्जेक्ट है जो सही तरह से हो रहा है एनईडी में, जिसमें पास पेपर रिपीट नहीं हुआ, जो नया सवाल आया जिसमें सिर्फ वही बच्चा नंबर ला पाया जो कि जिसके कॉन्सेप्ट थे स्ट्रॉन्ग, जिसको चीज़ें आती थीं, वही बच्चा वेल डिजर्विंग था एनईडी के लिए, जो डिजर्व करता था उसको कि भाई सर हाँ वाकई में हमने पढ़ा है, उसने मेहनत की है, और हम जो पास पेपर से रट के चले जा रहे हैं 2-3 दिन की मेहनत से और नंबर ले आ रहे हैं, तो हम क्या डिजर्व करते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, बट पाकिस्तान है यार, यहाँ शॉर्टकट ही चलता है, हर जगह पर जुगाड़ चलता है दुनिया, हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में, यहाँ प्रॉपर तरीके से काम किसी जगह पर नहीं होता है, तो इस वजह से मुझे वीडियो इस तरह की बनानी पड़ती है। और मैंने डी पास, देखो मैंने ई कैट का प्लेलिस्ट भी डाला हुआ है, ई कैट इंग्लिश, एम डी कैट इंग्लिश, कोई नहीं देखता उसको, छूता भी नहीं है, सब पास पेपर के प्लेलिस्ट में आके अटकते हैं कि सर पास पेपर खोलेंगे फिर वही देखेंगे, भाई वो भी देख लो, उसमें भी व्यूज़ पढ़ा दो मेरे, उसमें व्यूज़ कम है, उसको भी मिली 1000 तक 100 के 500 के पहुँचा दो, नहीं सब आके पास पेपर देखेंगे, सबको पता आना यहीं से, गलत है ना भाई, आप कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं वो तो देखो। जब मैं पूरा साल सेकेंडरी केमिस्ट्री के लेक्चर डाल रहा हूँ कोई नहीं देखता, और जहाँ मैं टारगेट पेपर का लेक्चर डाल दूँ दाड़ से एकदम व्यूज़ का पहाड़ आसमान पर आ जाता है। हमारे यहाँ पब्लिक इसी चीज़ का काम करती है, बच्चे इसी तरह से पढ़ते हैं, होना ये चाहिए कि प्रॉपर पेपर स्टडीज़ होनी चाहिए हर एक फील्ड की, हर एक चीज़ की, ठीक है।